आज की शुरुआत एक सूफी संत की कथा से करते हैं कि हफीज नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही नामी व्यक्ति है, कवि है, और वो सूफी साधना करता था। सूफी साधना करता था और उसके साथ काफी साधक और भी एक साथ साधना करते थे। वे सब जा जाकर बार बार पूछते थे अपने गुरु से कि हमें जो है परमात्मा का अनुभव अभी तक हुआ नहीं है, हमें परमात्मा का अनुभव करा दे। तो सूफी संत कहते थे, मैं एक दिन आप सबको इकट्ठा करूंगा और एक रात हम बैठेंगे। वह रात आ गई, सब लोग बैठे रात के 12 बजे, और सूफी संत ने कहा, मैं एक-एक का नाम पुकारूंगा और एक-एक व्यक्ति मेरे पास आएगा। हर एक व्यक्ति को मैं अलग-अलग सीना पसीना ये राज बताऊंगा। उन्होंने एक-एक व्यक्ति का नाम पुकारा। पहले व्यक्ति का नाम पुकारा, उठकर आया हफीज, गुरु के पास गया, गुरु के चरणों में झुका, वापस आ गया। दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारा, लेकिन उठकर आया हफीज और गुरु के चरणों में गिर गया और वापस प्रसन्न लौटा। तीसरे व्यक्ति का नाम पुकारा, तीसरे बार भी पहुंचा हफीज उठकर, और हफीज फिर गुरु के पास नमन करके वापस आता है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, लेकिन हर बार नाम अलग अलग थे, लेकिन आया गुरु के पास केवल हफीज, और उसने सीना बसीना ये राज लिया। क्यों आया हफीज हर बार? क्योंकि बाकी लोग जो थे वे सो गए थे। गुरु ने कहा था, जाग कर रहना, संवेदनशील होकर रहना, परमात्मा जो है जोर से नहीं चिल्लाता, वो फुसफुसाता है, इसलिए तुम बहुत अलर्ट होकर बैठना। और अलर्ट होकर बैठने की बजाय लोग जो हैं सो गए, मूर्छा में चले गए, तंद्रा में चले गए, झपकी खा गए अलग अलग तरीके से। तो परमात्मा का अनुभव जब तक हम संवेदनशीलता को ना बढ़ा लें तब तक नहीं होता, अपनी जागरूकता और अपनी संवेदनशीलता। ऐसे ही ताओ का जो अनुभव है उसके लिए हमें बहुत अधिक अधिक संवेदनशील, अधिक अधिक जागरूक होंगे, तब ये अनुभव हम पा सकेंगे। तो दुनिया में जो अधिकांश साधक हैं वो एक आयामी अनुभव में डूबते हैं। जैसे सूफी संत ने कहा था, परमात्मा विस्पर करता है, फुसफुसाता है, उसकी आवाज बहुत धीमी है। ऐसे जो लाओत्सु हैं, जो ताओ संत हैं, वे कहते हैं महासंगीत बहुत धीमा होता है, वो निपट उजाला धुनलके की तरह होता है। तो हर चीज बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो अध्यात्म में सूक्ष्मता का अनुभव करने के लिए दुनिया में जो अधिकांश साधक है वो एक आयामी अनुभव में डूबते हैं। जैसे थोड़े से लोग हैं जो बहुआयामी अनुभूति करते हैं। अक्सर हमारी जो 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्री जो है वो मुख्य होती है, डोमिनेंट होती है, प्रमुख होती है। मुख्य रूप से कान और आंख में से किसी व्यक्ति की श्रवण की क्षमता तेज होती है और किसी व्यक्ति की दर्शन की क्षमता तीव्र होती है। लेकिन कुछ ध्यानी ऐसे भी हैं जिन्हें श्रवण और दर्शन दोनों में एक साथ गहराई मिलती है। भारत में संत हुए हैं गोरखनाथ, जिन्होंने कहा, सबद भया उजियाला, संगीत जागा है, सबद भया उजियाला, ओंकार नाद हुआ है, और वो नाद जो है, वो शब्द जो है वो उजाले से भरा हुआ, ज्योतिर्मय है। हर एक शब्द जैसे गूंज रहा है और रोशनी भी प्रकट कर रहा है। ये रोशनी ही गूंज रही है या ये गूंज ही रोशनी बन गई है, दोनों एक हो गए। तो ठीक ऐसे ही अनुभव को चीन के संत लुत्सु ने भी कहा है। वो इसी प्रकार के आत्मज्ञानी है, श्रवण और दर्शन दोनों पर बराबर जोर दे रहे हैं। वे कानों की रोशनी की बात करते हैं,
कानों की रोशनी की बात करते हैं। हम जानते हैं ना कि विद्युत जो ऊर्जा है उससे रोशनी भी पैदा होती है और ध्वनि भी पैदा होती है, ये तो हम जानते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो जीवन ऊर्जा है वह प्रकाश और संगीत दोनों में एक साथ मैनिफेस्ट होती है, एक साथ भी मैनिफेस्ट होती है। तो ताओ उपनिषद में एक सूत्र है कि निपट उजाला जो है वो धुंधलके की तरह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं जब तक तेज प्रकाश ना हो, उत्तेजना तेज ना हो, तब तक देख नहीं पाती। जैसे सुबह का सूरज नहीं निकलता तब क्या होता, जो उजाला होता वो उसमें चकाचौंध नहीं है, उसमें उत्तेजना नहीं है, उसमें तेज तीव्रता नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं है, तो वो हमें धुंधलके की तरह दिखाई देता है, धुंधलके की तरह दिखता है। और जब सूरज उग जाता है तो उसकी तेज में उसकी जो किरणें हैं वो तेज किरणें हमारी आंखों को भेदने लगती हैं और तब हमें लगता है कि अब उजाला हो गया। तो हमारी जो सारी संवेदनशीलताएं हैं वो बहुत ही क्षीण हो गई हैं, एकदम क्षीण हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। जैसा जैसे समझो कि हमारा जो स्वाद है वो कितना कितना मंद हो गया है। हम जब तक मिर्च मसाला तेज नहीं खाएं खाना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता स्वाद का। जब तक जीभ को कुछ एक एक झकझोर ना हो जाए तब तक हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हम मिर्च खाते हैं, नमक खाते हैं, मसाले तरह तरह के खाते हैं। सादा खाना, उबला खाना क्या कौन खाता है? उबले खाने का अपना स्वाद है, लेकिन उसके लिए बहुत ही संवेदनशीलता चाहिए जीभ को। इतने तीव्र स्वाद जब हम मिर्ची खा लेंगे, मसाले खा लेंगे, तो जो मंदिम स्वाद है एकदम, जो अपने आप में जो सब्जियों के स्वाद है या जो स्वाद भी है अपना स्वाद उसका नेचुरल, वो कभी भी नहीं आएगा हमें। हम पता नहीं क्या क्या एसेंस डालेंगे, खुशबू डालेंगे, उसमें जरूरत ही नहीं है, उसकी अपनी खुशबू है। क्यों? लेकिन हमारी जीभ को पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम उतने हमारी जीभ डेड हो गई एक तरीके से। ऐसे ही दूसरे क्षेत्र में हम हिंसा को देखने के इतने आदि हो गए हैं कि वो जो अहिंसक घटना, शांत माहौल जो है हमको दिखाई नहीं पड़ता। शांति से रहने वाले लोग, एक शांतिपूर्ण माहौल, शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है वो हमें कुछ समझ में नहीं आती, जब तक कि कुछ उत्तेजना ना हो, सेंसेशन ना हो। कुछ जितना तेज होगा उतना ही हमें ठीक लगता है, समझ में आता है। संगीत के संबंध में आज जो यंग जनरेशन है, जब तक बिल्कुल पागल कर देने वाला संगीत ना हो इतने जोर शोर का, तब तक हमारी इंद्रियों को चोट ही नहीं लगती। और जब तक हमारी इंद्रियों को चोट खाकर वो अस्त व्यस्त ना हो जाए तब तक म्यूजिक का पता ही नहीं चलता। आज का म्यूजिक इतना तेज शोर शराबा वाला डीजे का म्यूजिक, ये कोई संगीत नहीं है, ये कोई संगीत नहीं है। धीमे स्वर, शांत स्वर सुनाई नहीं पड़ते हमको, उसे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज क्लासिकल संगीत कोई सुनता ही नहीं है, कहीं होता ही नहीं है, सबको फास्ट चाहिए। जबकि प्रयोग किए गए हैं कि जो फास्ट म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, ये एक्सट्रोवर्ट करता है और नुकसान करता है। पौधों पर प्रयोग किए गए क्लासिकल म्यूजिक के और रॉक म्यूजिक के, तो पौधे मतलब बढ़ाई बढ़ना जो उनकी ग्रोथ जो है वो खराब हो जाती है, और जिनको संगीत मिलता है रविशंकर का वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लहलाते और वहां उस ओर जैसे कान कर दिए हों, उस ओर झुकते जहां से संगीत आ रहा, और वे उन दूसरे वाले जिनको रॉक संगीत सुनाते वो रिपल्सन उनके अंदर होता, वो वहां से हटना चाहते। ऐसे हमारी चेतना भी है, लेकिन हमें अपनी चेतना का पता ही नहीं चलता ना। हम वहां उतने संवेदनशील नहीं, हम बहुत ही डेड हो गए। हमारी कान जो है वो उत्तेजना मांगते हैं, ऐसे वस्त्रों के बारे में, हर चीज के बारे में। जब तक ऐसे रंग ना हो जो आंखों में तेज ना लगे, एक तिलमिलाहट पैदा कर दे, तब तक हमको रंग मालूम ही नहीं पड़ते। पूरा जीवन जो है वो एक दीप उत्तेजना, तेज स्वाज, तेज चोट पहुंचाने वाले स्वर, सारी चोट पहुंचाने वाली घटनाएं, पूरा जीवन हमारा उसी की मांग करता है, उसी को देखता रहता है। लोग सुबह उठकर अखबार देखते हैं, सुबह उठते साथ पेपर पढ़ते हैं,
उसमें नजर डालते हैं कितने लोग मरे और कहाँ युद्ध हो गया और क्या दुर्घटना हो गई, क्या उपद्रव हुआ, क्या हत्याएं हुई, कितने लोग भाग गए, कितनी स्त्रियों को लेकर, क्या क्या देखते हैं। और अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं आई तो ऐसा लगता कि अखबार तो हमने पढ़ा ही नहीं है। एक भद्र शांत छूता हुआ माहौल हमको पता ही नहीं चलता। एक सज्जन बिहार के थे, बड़े ऊंचे ऑफिसर, वो उनकी उनका ट्रांसफर हो गया, छत्तीसगढ़ आ गए। और वो छत्तीसगढ़ आकर वो बताते कि वो जब पेपर पढ़ते थे सुबह, देखते थे छत्तीसगढ़ का पेपर, कोई दुर्घटना नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, बोले बिल्कुल मजा ही नहीं आता था, सुबह खराब हो जाती थी, कोई सेंसेशनल कोई खबर ही नहीं। तो उन्होंने अपना पेपर जो है वो बिहार का पेपर बुलाने लगे और तब जाकर उन्हें चैन पड़ता था सुबह से, आहा कितनी अच्छी सुबह हुई। हम इतने ज्यादा उत्तेजना के आदि हो गए, क्या विक्षिप्तता है। अगर हम फिल्म देखते हैं तो हमको हत्या जब तक नहीं होती, जासूसी चीजें नहीं होती, युद्ध नहीं होता, वो सब हमें दिखाई मजा ही नहीं आएगा। फिर रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी तब होती है जब कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ खून खौलने वाली बातें होंगी, तभी हमें समझ में आता है। मनोवैज्ञानिक लोग जो प्रयोग करते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, एक बार उन्होंने चूहों पर प्रयोग किए तो 12 चूहों को दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। एक एक 6 चूहे थे वो एक सेल में रहते थे, दूसरे 6 दूसरे, तो एक चूहों को जो था 6 चूहों को बहुत ही ऐसी फिल्म दिखाई गई, चूहे लड़ते हैं, खून करते हैं, एक दूसरे की चमड़ियां खींचते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, और 6 चूहे जो थे उनको एकदम साधारण फिल्म दिखाई गई, जिसमें कि सामान्य जो चूहे अपनी घर से बिल से बाहर आते हैं और दाना चुगते हैं, सामान्य जीवन में प्रेम करते हैं, वापस चले जाते हैं, कोई खून नहीं, कोई हत्या नहीं। जिन 6 चूहों ने खून और हत्या की फिल्म देखी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वे मरने मारने को उतारू हो गए। जिन 6 चूहों ने सामान्य फिल्म देखी उनमें से ज्यादा चूहे सब देखते देखते सो गए, उन्होंने कोई खतरनाक सपने नहीं देखे फिर, क्योंकि अब तो चूहों के भी मस्तिष्क को हम देख सकते हैं ना, क्योंकि सारी मशीनरीज वैसी उपलब्ध है। तो जब सपना आता है तब मस्तिष्क में तनाव आ जाता है, मस्तिष्क की नसें फूलेंगी, खून तेज हो जाएगा और तरंगे बाकी जो एकदम फीवरिश हो जाएंगी उसका जो अलग ग्राफ बनेगा। तो जिन 6 चूहों ने फिल्म देखी उपद्रव की, खून की, हत्या की, उनकी रात पूरी बेचैन हो गई। उन्होंने सपने देखे, सपने बहुत बहुत तीव्र थे, भयभीत करने वाले, नाइटमेयर थे एकदम। और जिन्होंने बिल्कुल शांत फिल्म देखी थी तो वो आराम से सोए, एक रिदम में सोए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम ऐसी तेज फिल्म हम देखते हैं तो ऐसा मत सोचें कि हम चूहे से अलग हो हैं, हमारा दिमाग नहीं, नहीं, हम देखने इसलिए गए कि हम थोड़े खून को खौलाना चाहते हैं, थोड़ा उसमें सेंसेशन लाना चाहते हैं, थोड़ा भड़कपन आ जाए, थोड़ा खून का व्यायाम हो जाए, मस्तिष्क थोड़ा झकझोर दे कोई चीज हमको। नहीं तो वही जीवन है, फ्लैट जीवन, वही दफ्तर जाना है, वही घर है, वही मकान है, वही बच्चे हैं, सब कुछ वैसा ही है, एक जैसा एक फ्लैट चल रहा, तो उसमें लोग ऊब जाते हैं। और इसलिए ऊब में से कोई झकझोरने वाली चीज चाहिए, सेंसेशनल। तो अगर हमें जीवन, हमारा जीवन बुद्ध और लाओत्सु का जो जीवन है वैसा हमें मिल जाए तो हम तो बड़े ऊब जाएंगे। हमको जैसे चंगेज खान, हिटलर ऐसे लोग जो हैं, उनका जीवन हमको रसपूर्ण लगेगा, लेकिन फिर भी हम बुद्ध की पूजा करेंगे और तैमूर को से हेट करेंगे, तैमूर को गाली भी देंगे, लेकिन एक्चुअली हम अनुयायी किसके हैं? हिटलर के ही तो हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इनसे हमारा कोई लेना देना थोड़ी है। हम इनकी पूजा जरूर करते हैं पर इनसे बचने के लिए करते हैं, हम ये बनने के लिए नहीं करते। हम सोचते हैं कि चलते हम हिटलर के, हमारा जो रास्ता जा रहा है जीवन का वो उस ओर जा रहा है, और पूजा कर रहे हैं बुद्ध के मंदिर में थोड़ी देर जाके, कोई मंदिर जा रहे हैं अपने, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली। कुछ क्षणों को चले गए, माथा टेक कर आ गए, बाहर आ गए, लेकिन पूरा जीवन जो झुक रहा वो कहाँ झुक रहा है? ओशो ने एक अपने जीवन की घटना बताई है कि 1974 में उनके पास एक बहुत बड़े उद्योगपति आए
और उन्होंने उनसे कहा कि महावीर भगवान की 25वीं 25 2500वीं जो वर्षगांठ है वो आई है, आप कुछ सुझाव दें महावीर की भगवान के लिए हम क्या करें। तो ओशो ने कहा कि महावीर के जीवन पर एक फिल्म बनाइए। उन्होंने कहा उसको कौन देखेगा, उनके जीवन में ऐसा क्या है, महावीर बैठे हैं आंख बंद करके, कितनी देर तक दिखाएं उनको, कोई हत्या नहीं, कोई प्रेम का उपद्रव नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है, इस फिल्म को कौन देखेगा। तो जब महावीर की फिल्म को देखने को हम राजी नहीं है तो महावीर के जीवन को हम कैसे जिएंगे, तो कोई रस नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है हमारे लिए। तो उत्तेजना में अब देखो हमको क्यों इतना रस है, उत्तेजना में हमें रस इतना क्यों है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि इसलिए है ये रस कि हमारी संवेदनशीलता में कमी है, हम संवेदनशील नहीं हुए, हम डेड हो गए, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। और संवेदनशीलता जितनी कम हो गई हमारा जीवन लाइफ जो है उतनी कम हो जाती है। मौत क्या है, संवेदनशीलता खत्म हो गई, हमारी संवेदनशीलता खो गई तो मर गए। जितनी संवेदनशीलता कम होती जाएगी तो समझ लेना उतनी ज्यादा उत्तेजना चाहिए, और जितनी उत्तेजना की चाहिए जितनी मांग बढ़ती जाएगी वो यही बात दर्शा रही कि हम उतने ही मर गए, उतने ही डेड हैं। मृत्यु का क्या अर्थ है, संवेदना जीरो हो गई। अब कोई भी उत्तेजना डालते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना ज्यादा जीवित व्यक्ति होगा उतनी कम उत्तेजना की जरूरत पड़ेगी। और जब परिपूर्ण जीवित व्यक्ति होगा एकदम क्लाइमेक्स पे जीवंत रहेगा, जैसे महावीर भगवान बुद्ध भगवान, उनको अब कोई उत्तेजना नहीं चाहिए, उनको कोई उत्तेजना नहीं चाहिए, जीवन अपने आप में, जीवन का होना अपने आप में इतना आनंदपूर्ण है, उसमें क्या उत्तेजना चाहिए। जीवन में इतना रस है, उसमें इतनी लीनता है, स्वाद इतना उसका सूक्ष्म है, हवा आती है, हवा का कंपन, उसका स्पर्श काफी है, काफी आनंदपूर्ण है, श्वास का थोड़ा सा चलना इतना बड़ा जीवन लगता है, होना अपने आप में इतनी बड़ी घटना है, अब और किसी घटना की जरूरत थोड़ी है। जस्ट टू बी, सिर्फ होना, हमारे लिए सिर्फ होना कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए, जब तक कि हमारे होने में कोई उपद्रव नहीं हो हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं। तो लाओसु का कहना, फिर से हम उस पर विचार करें, वो कहते हैं निपट उजाला जो है वो धुंधलके की तरह है, सांच के धुंधलके की तरह, लेकिन हमारी आंखों को तो लपटे देखने की आदत है, वो जो मंद प्रकाश है, वो जो सौम्य प्रकाश है, वो हमें हमें पता ही नहीं चलता। और दूसरा उनका वक्तव्य है महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, जो बाकी संगीत तो बहुत शोरगुल वाला होता है, महासंगीत अत्यंत धीमा होता है, इसलिए शुरू में वो कथा कथा नहीं, जीवन की घटना नहीं, फुसफुसाता है परमात्मा। ऐसे ही लाओत्सु कह रहे हैं महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, महासंगीत नाद को, अनाहत नाद को कह रहे हैं, ऐसा संगीत जो सदा सदा शाश्वत, बिना किसी स्ट्रोक के, बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी कारण के अकारण, अनादि अनंत रूप से गूंज रहा है, सनातन रूप से, तो वो कौन सुन सकेगा परम संगीत की अवस्था को। जब 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 हम बहुत ही हमारे कान सूक्ष्म हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं, तब जब हम पूरे शून्य हो जाएंगे तब तब जो है वो ध्वनि जो है हमें हमारे भीतर गूंज जाएगी, तो गूंज ही रही है, हमें पता चलने लगेगा। और वो जो साउंडलेस साउंड है वो हमारे हृदय में रोम रोम में अंतरतम में उस शून्य में गूंज रही है। तो महासंगीत जो वो धीमा सुनाई पड़ता है, धीमे धीमे सुनने की अब हमें क्षमता बढ़ानी पड़ेगी तभी सुनाई पड़ेगा। धीरे धीरे जितना धीमा हम सुन सके इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना सूक्ष्म सुन सके जितना धीमा सुन सके उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो शोरगुल में हम रहते हैं, बाजार का शोरगुल चल रहा है, आंख बंद कर लें, बीच में घर घर में हल्ला मचा हुआ, 7 लोग रह रहे हैं,
तरह तरह की आवाजें आ रही, बाहर से भी आवाजें आ रही, आंख बंद करके कभी ऐसे में भी घड़ी की आवाज सुने, अपने हृदय की धड़कन सुने, दूर से भी आने वाली आवाजों को सुने, चिड़ियों की आवाज सुने, जो भी आवाजें आ रही धीमी से धीमी, आपको पता चलेगा इतने हल्ले में भी धीरे धीरे एक दिन वो सुनाई पड़ने लगेंगे। बाजार के शोरगुल में भी एक दिन आएगा कि हमें अपने भीतर का वो जो स्वर है, अनाहत नाद है, वो सुनाई देने लगा। लेकिन उसके लिए उस भरे बाजार में, उस कोलाहल में सुनने के लिए हमें वो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, अपने कानों की संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। तो इसलिए संध्या का बहुत महत्व है हर धर्म में। तो संध्या यानी संधि काल जो है, और वो दो बार होता है संधि काल, क्योंकि निपट उजाला सांझ के धुंधलके की तरह, और महासंगीत दोनों की बात करने के लिए, कि संध्या का टाइम है वो बहुत ही सुंदर टाइम है। उस समय जो है, अभी रात आई नहीं है सुबह, और जो दिन है वो डूबा नहीं, दोनों एक बैलेंस, दोनों मिल रहे हैं, दोनों का मिलन हो रहा, संधि हो रही है। उस समय वो उजाला आसानी से दिखाई देगा, अंतरतम का आलोक जिसे कह लो, प्रकाश कह लो भीतर का, महासंगीत निपट उजाला कह लो जिसको, वो लाउत्सु कहते निपट उजाला, वो कह लो, उसे देखने के लिए संध्या काल जो कि दो बार है, सुबह भोर के समय जबकि सूरज उगा नहीं है, उगने उगने को है उस समय, और शाम को जब सूरज डूब गया है, अभी रात पूरी नहीं आई, अंधेरा पूरा नहीं हुआ, तो वो जो संधि काल है उस समय ये साधना जब हम करते तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, और वो जो महासंगीत है वो आसानी से सुनाई देगा, और आसानी से वो उजाला जो है, आंतरिक उजाला, आलोक कह लो, प्रकाश कह लो, उसके दर्शन होंगे।